ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और कहा कि विपक्ष किसानों के मन में तीनों कानूनों के खिलाफ भ्रम फैला रही है। पीएम मोदी ने कच्छ में कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद अपने संबोधन में ये बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर सरकार किसानों की हर शंका का समाधान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ में डिसेलिनेशन प्लांट और हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की आधारशिला रखी। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी उनके साथ रहे। आधारशिला रखने के बाद पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग वर्षों से की जा रही थी और अनेक किसान संगठन भी यह मांग करते थे कि किसानों को अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। पीएम मोदी ने कहा कि आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वह भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वे निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। पीएम मोदी ने किसानों के हित में कहा कि मैं अपने किसान भाइयों बहनों को बार बार दोहराता हूँ, उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। खेती में किसानों का खर्च कम हो, उनकी आय बढ़े और मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। पीएम मोदी ने हाल ही में आए चुनाव परिणामों की ओर इशारा करते हुए कहा कि ईमानदार नियत और ईमानदार प्रयास को करीब करीब पूरे देश ने आशीर्वाद दिया है। किसानों के आशीर्वाद की ताकत से जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसान के कंधे पर बंदूक फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सिख किसानों के एक समूह से भी मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात में किसानों ने पीएम मोदी के सामने अपने स्थानीय मुद्दों को उठाया। कच्छ में डिसेलिनेशन प्लांट और हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की आधारशिला रखने के बाद पीएम मोदी ने कहा है कि आज सरदार पटेल का सपना पूरा हो रहा है। अब कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड एनर्जी पार्क बन रहा है। जितना बड़ा सिंगापुर और बेहतरीन है, उतना बड़ा ये पार्क है। ऐसे में फैसलों के कारण क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में हिंदुस्तान की जगह लगातार सुधर रही है। कच्छ ने न्यू एज टेक्नोलॉजी की ओर बड़ा कदम बढ़ाया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस पार्क का सीधा लाभ स्थानीय किसानों को होगा। पहले कहा जाता था कि कच्छ में विकास नहीं है, पहले यहाँ अफसर पोस्टिंग नहीं चाहते थे, लेकिन अब सिफारिश करते हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा है कि वक्त के साथ बदलाव करना गुजरात की ताकत है। यहाँ की खेती को आधुनिकता से जोड़ा गया। गुजरात में किसान डिमांड वाली फसलों की पैदावार करता है। पीएम मोदी ने कहा कि डेयरी और अन्य सेक्टरों में सरकार टांग नहीं अड़ाती है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन का आज 20वां दिन है। एक तरह सरकार कृषि कानून वापस न लेने पर अड़िग है, तो वहीं किसान संगठनों का कहना है कि तीनों कृषि कानूनों की समाप्ति से कम कुछ बर्दाश्त नहीं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।